आदरणीय उपसभापति जी, मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे अवसर दिया। मैं इसी के साथ में हमारे ऑनरेबल मेंबर श्री विश्वंबर प्रसाद जी निषाद जी को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जिस प्राइवेट बिल के माध्यम से देश के बेरोजगार युवाओं के बारे में जो चिंता व्यक्त की है, मैं समझता हूं कि उन्होंने देश के हमारे लोकप्रिय और युवाओं के जो जिस दिन देश के प्रधानमंत्री के रूप में आए, उस दिन से चिंता करने वालों की चिंता में आपने एक शरीक हुए हैं। निश्चित ही निषाद साहब ने ये कहा कि आज बेरोजगारी के कारण जो युवा वर्ग जिस तरह से असामाजिक गतिविधियों में बढ़ रहा है, आतंकवाद की तरफ बढ़ रहा है, अपराधी प्रवृत्तियाँ उसमें आ रही हैं, ये एक कारण हो सकता है, कुछ समय ज़्यादा नहीं, इसके पीछे और भी कारण है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि बेरोजगारी होने से निश्चित है कि युवा को कई निराशा है। उन्होंने ये भी उल्लेख किया कि देश 70 वर्ष या 69 वर्ष आज़ादी के बाद आज हमारे युवा वर्ग जिस तरह से उनकी बेरोजगारी भयानक रूप से प्रकट हो रही है, उसका निदान नहीं हो रहा है, सत्यता है। मैं यूँ कहूँ कि देश को आज़ाद हुए 70 वर्ष हो गए हैं और भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को जो लागू हुआ, उसको भी मैं कहता हूँ कि 67 वर्ष करीब हो गए हैं। और भारत के संविधान को जो निर्माताओं ने जिस भावना से, जिस सोच से बनाया, उन्होंने हर पहलू को सम्मिलित करते हुए अगर हम देखें कि उसके प्रेममल को हम देखें तो प्रेममल में सारी चीज़ें समायोजित हो जाती है, हमें विस्तृत अध्ययन करने की जरूरत नहीं है। तो उसमें भी ये उल्लेख किया गया था कि भारत देश एक प्रभुत्व गणतंत्र राज्य तो होगा, लेकिन उसे मौलिक अधिकारों को भी उसमें प्रीएम्बल में दर्शाया गया, इसको राइट टू इक्वलिटी होगा, अपॉर्चुनिटी का होगा, उसे सामाजिक समानता होगी, आर्थिक समानता होगी और शैक्षणिक दृष्टि से और राजनीतिक दृष्टि से वो सक्षम होगा। देखिए, निषाद साहब ने ये जरूर बताया कि इन कारणों से क्या अपराध हो रहे हैं। अच्छा होता कि ये कारण उत्पन्न होने का, ये बेरोजगारी के कारण क्या रहे हैं, क्यों उत्पन्न हुए, क्योंकि समय की सीमा है। मैं यही कहूँगा कि 70 वर्ष की आज़ादी के बाद और भारत के संविधान में स्पष्ट उनको आर्टिकल अगर हम 12 से लेकर के और 35 तक जो मौलिक अधिकारों की बात हम करते हैं, और प्रीएम्बल के अंदर जो मैं कहूं कि 395 में अगर अधिकांश आर्टिकल्स का आप उस समय करें, आज की तारीख में 465 वो हो गए हैं, 22 उसके अंदर और जो खंड हैं आज 24 खंड उसके 25 खंड करीब हैं, 12 सूची आज हो गई है और 101 अमेंडमेंट होकर के उसके अंदर अमेंडमेंट भी हुई है। उसमें हम देखें बहुत सारे अमेंडमेंट गरीबों के लिए भी हुए हैं, गरीबी से जो पीड़ित हैं, जिनकी अभी हमारे डी राजा जी ने भी बात करी और हमारे मैडम ने भी बात करी थी कि अनुसूचित जाति जनजाति और ओबीसी के लोग अभी भी न्याय के लिए पिछड़े हुए हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि निश्चित है कि आज बेरोजगारी ने युवा को निराश कर रखा है, लेकिन बेरोजगारी का कारण ये था, ये रहा है कि हम राजनीतिक पार्टियों ने भी और तत्कालीन सरकार ने भी 1950 के बाद संविधान लागू होने के बाद में जो प्रोविजंस दिए उनके अंदर सारी कुछ था, लेकिन जरूरत ये थी कि हम उसको क्रियान्वित सही ढंग से करते। जब 26 नवंबर 1949 को इस चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने संविधान को सुपुर्द किया था, उस समय ये कहा था कि संविधान अच्छा है बुरा नहीं है, डिपेंड इस पर करता है कि इसको इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से होगा। अगर इम्प्लीमेंटेशन होगा तो निश्चित है कि ये संविधान लाभदायक होगा और इसका मैक्सिमम जो उसमें था देश के किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, जो पिछड़े हुए थे उनके लिए था। आज मैं इस अवसर पर अधिक नहीं करके ये कहूँगा, निषाद साहब आपने बिल पेश किया है, बिल के लिए आपकी जो संवेदना युवाओं के लिए के बहुत बढ़िया है, लेकिन हाँ अधिकार की तो बात हो गई है, लेकिन अधिकार मैं ये कहूंगा कि आज भारत सरकार के, प्लीज थोड़ा सुनो, टाइम भी बहुत कम है, मैं इतना कहना चाहूंगा, ये सत्यता है
आज भारत सरकार ने और भारत सरकार का जो नेतृत्व करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के उन युवाओं के लिए जो कि 65% कई युवा वर्ग जो निराशा में थी, मैं ये कहूंगा कि अगर कहते हैं कि अनुसूचित जाति जनजाति अगर जनधन अकाउंट की जो योजना चालू करी 29 करोड़ लोग उससे जुड़े उसका फायदा किसको मिला? सर एक मिनट, बस एक मिनट में अपनी बात करूंगा। करोड़ों लोग जब डिजिटल के माध्यम से जो मनरेगा जैसी स्कीम मृत प्राय हो गई थी, मैं कहता हूं कि उनके द्वारा कार्य किए जाने वाले अनप्रोडक्टिविटी के रूप में थे, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रयास और भारत सरकार के प्रयास से आज मनरेगा के माध्यम से और डिजिटल माध्यम के माध्यम से जो पैसा उस मजदूर को मिल रहा है, जो उत्पादकता बढ़ रही है, विकास कार्यों के अंदर वो लग रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर दिख रहा है, तो मैं कहता हूँ कि भारत सरकार की चाहे मुद्रा योजना हो, स्टैंड अप योजना हो, स्टार्टअप योजना हो, आदरणीय किसानों के लिए, किसानों पे क्यों कृषि पर हमारे डिपेंड करते हैं, किसानों के लिए जो योजनाएं की गई है उससे किसानों के कृषि पर जो डिपेंडेंट है उसकी कम होगी। धन्यवाद सर, थैंक यू।